ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग फेम इन योर लाइफ। देखिए बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम फेमस हो अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली एक्टर्स। एंड एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप कहीं पे रिसर्च करेंगे मेनली आपको ये मिलेगा कि सूर्य एक तरह से फेम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी भी देना चाहता हूँ वीडियो में कि सूर्य के अलावा और प्लैनेट्स भी होते हैं जो फेम के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, और किस किस तरह का फेम आपको कब मिल सकता है, हम इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्पेसिफिकली तब अगर आप किसी भी तरह से बिजनेस कर रहे हैं या अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको पर्सनली फेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके सक्सेस के लिए। एंड अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में तो ऑब्वियसली तब तो आपके लिए फेम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो आइए अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले मैं ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। देखिए फेम 3 या 4 तरीके का होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के लिए बात करें तो 4 कैटेगरीज में हम फेम को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी हो गई कि आप अच्छे रीज़न की वजह से फेमस हो गए थोड़े टाइम के लिए, यानी कि आप अच्छे फेमस तो हैं पर थोड़े टाइम के लिए फेमस रहे, उसके बाद आप अल्टीमेटली आपको जनता या भूल गई या फिर आप गुम हो गए भीड़ में, है ना। दूसरा फेम, जो फेम लॉन्ग लास्टिंग होता है और अच्छे रीजंस की वजह से आप लॉन्ग लास्टिंग फेम आपको मिल गया। तीसरा फेम वो है जो आपको आफ्टर योर डेथ मिलता है, यानी कि आपने कुछ ऐसे कर्मास किए जब तक आप जीवित थे तब तक आपको फेम नहीं मिला, आफ्टर योर डेथ आप फेमस हो गए, ये वाला योग भी बनता है। और चौथा योग जो एक तरह से लेजेंडरी फेम मिलता है आपको, जो आपने हार्ड वर्क किया पूरी लाइफ में, अल्टीमेटली कुछ सालों बाद 30, 40, 50 सालों बाद हार्ड वर्क के बाद लोग आपको एज अ लेजेंड देखते हैं कि इस व्यक्ति ने खुद हार्ड वर्क करके कुछ ना कुछ अचीव किया। तो वैसा सा फेम जैसे अमिताभ बच्चन जी का हो गया, या फिर जो जिन लोगों को लोग एज अ लेजेंड मानते हैं जिंदगी में, सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, तो ऐसा फेम। तो 4 तरह का फेम होता है, इन चारों की डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डिटेल में फेम से रिलेटेड एनालिसिस करनी है अपनी, तो आपको कौन से डिविजनल चार्ट्स अपनी कुंडली में चेक करने चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट हो गया D1 चार्ट आप देखेंगे, D9 चार्ट देखेंगे, D10 चार्ट देखेंगे, ये 3 बेसिक चार्ट्स हमने देखे। इसके अलावा D5 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फेम के लिए, एंड D11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने फेम की एग्जैक्ट रीजन जानना है कि मैं किस वजह से फेमस होऊंगा लाइफ में अगर हो गए। तो ये 5 डिविजनल चार्ट्स आ गए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने फेम की एनालिसिस करनी है कि आप फेमस हो पाएंगे कि नहीं लाइफ के अंदर, कौन से हाउसेस चेक करने चाहिए। देखिए फर्स्ट हाउस सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो गया फेम के लिए, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी दर्शाता है, लोग आपको देख के क्या समझेंगे वो भी दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस हो गया 10th हाउस, कि आप ऐसा क्या काम करेंगे जिस वजह से आप फेमस हो सकते हैं। तीसरा हो गया 11th हाउस, जो दर्शाता है कि आपके कनेक्शंस कैसे होंगे, आप किस तरह के लोगों के साथ बैठेंगे या कनेक्शन बनाएंगे, इन्फ्लुएंस कैसा होगा आपकी ज़िंदगी में। फिर हो गया 8th हाउस, अगर 8th हाउस स्ट्रांग होता है ऐसे व्यक्ति आफ्टर डेथ फेमस होते हैं, तो फेम आफ्टर डेथ मिलता है ऐसे लोगों को जनरली। फिर एक और हाउस जो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो आ गया 7th हाउस। 7th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस पाने के लिए, वो भी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए। तो फर्स्ट हाउस आपने स्टडी किया, 10th किया, 11th किया, 8th हाउस स्टडी किया कि आफ्टर डेथ फेम तो नहीं है, और 7th हाउस चेक किया। अब बात करते हैं ग्रहों की। देखिए पहला ग्रह जो फेम के लिए बहुत ज़्यादा माना भी जाता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है, वो होता है सूर्य। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, 11th में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति फेम पाने में बहुत आसानी होती है ऐसे व्यक्तियों को, और जनरली अपने टैलेंट यूज़ करके, आपका कोई हिडन टैलेंट या ऐसा टैलेंट जो आप शोकेस कर सकते हो दुनिया के सामने, उसकी मदद से आप फेम पाते हैं लाइफ में। देखिए अगर आप ऐसी किसी फील्ड में जिसमें आप सूर्य का तत्व यूज़ करके, टैलेंट यूज़ करके फेम पाना चाहते हैं, आपको रूबी जेमस्टोन ज़रूर डालना चाहिए। मेरी वेबसाइट astroindia.com पे आपको रूबी स्टोन्स बहुत सारी तरह के मिल जाएंगे, आप अभी जाइए उधर। अब हम नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्लैनेट, अगला ग्रह जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फेम के लिए, वो होता है राहु। राहु ग्रह ऐसा फेम देता है कि आपके नाम के अराउंड जो इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, बहुत बड़ा नाम हो गया किसी का एकदम से, है ना, सडन फेम हुआ और बहुत बड़ा नाम हो गया, और एक तरह से इल्यूजनरी फेम हो गया, जिसमें कि नेगेटिव फेम भी आ सकता है, पॉजिटिव फेम भी आ सकता है। अब नेगेटिव फेम क्या पाएगा, अगर सपोज करिए D11 चार्ट के अंदर राहु फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए,
तो एक तरह से कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से आपको फेम मिलेगा, दूसरों की डेथ के बाद आपको फेम मिलेगा, या फिर ऐसी चीज़ों के बाद फेम मिलेगा जो जनरली सोसाइटी में नेगेटिव मानी जाती हैं। एक्सीडेंट के बाद फेम मिल गया, कोर्ट केसेस की वजह से फेम मिल गया, तो राहु इल्यूजनरी फेम देता है। बहुत अच्छा भी हो सकता है, आपने कोई ऐसा ब्रांड बना लिया जो बहुत ही जल्दी राइज हो गया, और बुरा भी हो सकता है, यानी कि ऐसा फेम जो आपको गलत चीज़ों की वजह से मिला हो, ड्रग अब्यूज़ की वजह से फेम मिल जाता है, डाइवोर्स की वजह से फेम मिल जाता है। तो ऐसे फेम जो कि गलत चीज़ों की वजह से मिलते हैं, वो राहु की वजह से मिलते हैं आपको लाइफ में। परंतु इसमें एक कैच ये है कि राहु आपको हमेशा नेगेटिव फेम नहीं देगा, राहु आपको पॉजिटिव फेम भी दे सकता है, एज लॉन्ग एज आप इसकी एनर्जी अच्छी तरह यूज़ करें अपनी लाइफ में। देखिए, आज के ज़माने में जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, आपको क्विक फेम चाहिए होता है लाइफ में। अगर आप क्विकली फेमस नहीं हुए तो हो सकता है आप भीड़ में गुम ही हो जाओ। तो इस केस में आपको राहु का जेमस्टोन गोमेद ज़रूर धारण करना चाहिए, स्पेशली अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो, थर्ड हाउस में बैठा हो, सिक्स्थ हाउस में बैठा हो, टेंथ में बैठा हो, इलेवेंथ में बैठा हो, यानी कि 1, 3, 6, 10, 11, ये पांच प्लेसमेंट्स, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, यहाँ पे बैठ के राहु आपको फेम दे सकता है। आपको राहु का जेमस्टोन गोमेद मेरी वेबसाइट astroindia.com पे मिल जाएगा, वहाँ आप अभी जा सकते हैं। अगला ग्रह जो कि जनरली बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये भी आपको फेम दे सकता है, वो है शनि। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर आपको फेम देगा, वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फेम देते हैं। जो लोग बहुत सालों साल तक फेमस रहते हैं, आफ्टर डेथ भी फेमस रहते हैं, शनि की मदद से होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको सैटर्न की मदद से फेम मिला होता है, वो जनरली बहुत ज़्यादा वेल रिस्पेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको एक तरह से अपना आइडियल मानते हैं, उनको ग्रेटनेस वाला यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जिनको हम ये बोलते हैं गोट है, ये वो सैटर्न के फेम वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में हार्डवर्क करके इनिशियल ईयर्स में सक्सेस पाया होता है, और ऐसे लोगों को इंस्पायर करा होता है जो कि बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इंस्पायर करा होता है ऊपर पहुंचने के लिए। तो सैटर्न का फेम एक ऐसा फेम है जो हर फिल्म स्टार को भी और हर व्यक्ति को एम करना चाहिए। देखिए, सूर्य का फेम आपको टैलेंट से ही मिलेगा, आपके अंदर अगर टैलेंट नहीं है तो आपको सूर्य वाला फेम नहीं मिल सकता। राहु वाला फेम आपको सडन इल्यूजन से मिलेगा, वो भी अच्छा है इसके आज के ज़माने में। परंतु शनि का फेम जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फेम होता है, जो आपको तब मिलता है जब अपने टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी किया, उसका एम आपको करना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में स्पेसिफिकली सेवेंथ हाउस में ही आगे बैठ जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है हार्ड वर्क वाले फेम के लिए। और टेंथ हाउस का शनि भी बहुत अच्छा माना जाएगा, इलेवेंथ हाउस का शनि भी बहुत अच्छा माना जाएगा। आपको इस केस में ये एम करना चाहिए कि मैं लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस के लिए ही एम करूं, लॉन्ग लास्टिंग फेम के लिए ही एम करूं। नो डाउट शनि का फेम पाने के लिए आपको टाइम लग सकता है लाइफ में, शनि आपको मेहनत भी करवाएगा, उसके बाद ही फेम देगा, परंतु ये वाला फेम लॉन्ग लास्टिंग तो होगा। अगर आपने शनि को स्ट्रांग करना है अपनी कुंडली में, नीलम स्टोन धारण करिए। नीलम एक ऐसा स्टोन है जो आपको ऐसे लेवल तक लेके जा सकता है कि लोग आपसे इंस्पायर होना स्टार्ट हो जाएं, लोग ये सबसे समझें कि आप उनके आइडियल हैं। तो उसके बारे में और जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट astroindia.com पे जा सकते हैं और नीलम स्टोन के बारे में और स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो फेम के ऊपर समझ आई होगी। मैंने थोड़े से ऐसे प्लैनेट्स भी बताए जैसे कि राहु और शनि, जो जनरली लोगों को नहीं पता होता कि फेम देते हैं। जनरली सब लोग यही समझते हैं कि सूर्य से ही आपको फेम मिलेगा, परंतु शनि और राहु बहुत स्ट्रांग प्लैनेट्स हैं फेम पाने के लिए। राहु में थोड़ी सी ट्रिक है कि वो आपको नेगेटिव फेम भी दे सकता है, बट अगर आप फेमस होना चाहते हैं, सूर्य, राहु और शनि, इन तीनों की स्थिति देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको D11 चार्ट ज़रूर चेक करना चाहिए। D11 चार्ट में जो राइजिंग पे, जो फर्स्ट हाउस में जो आपके प्लैनेट्स हैं या उनका रूलर है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये जानने के लिए कि आपको किस तरह से फेम मिलेगा लाइफ में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो आपके इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके साथ शेयर करिए वीडियो। धन्यवाद।